अगर आप भी उन चंद लोगों में से हैं जो सोचते थे कि कुछ भी करने से पहले आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, अच्छा सा लाइफस्टाइल होना चाहिए, तभी आपको सुकून मिलेगा, तो आज ये एपिसोड देखने के बाद आप रॉन्ग साबित हो जाएंगे। ये बात मैं आज इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर आई हूँ पीपल फार्म प्रोडक्ट सेगमेंट में, वहाँ पर जो चीज़ें मैंने देखी हैं बनते हुए, यकीन मानिए आज से पहले वैसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा, वैसा ऑरा मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसी पॉजिटिविटी मैंने कहीं नहीं देखी। और उसके मेरे ख्याल में उसके पीछे जो सीक्रेट है, सीक्रेट बिहाइंड दिस पीपल फार्म प्रोडक्ट्स सेगमेंट, वो शिवानी है। थैंक यू रमन्ना, मैं पीपल फार्म की को फाउंडर हूँ और पीपल फार्म प्रोडक्ट्स को मैं लीड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो पीपल फार्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं वो जितनी भी यहाँ पे लोकल लड़कियाँ हैं गाँव की, वो उस टीम का हिस्सा है। खाना बनाने से लेकर पुराने कपड़ों से हम पोस्टर्स बनाते हैं, प्लेसमैट्स बनाते हैं, जूट बैग्स बनाते हैं, तो ये जितना भी सामान है हमारा लोकली भी बिकता है, कोविड से पहले लोकली भी ज्यादा था, और ऑनलाइन भी बिकता है, तो हमारी वेबसाइट पे और ई कॉमर्स की वेबसाइट भी है एक जो यहाँ पे नोन इंडिया पे मानी जाती है, उस पर भी हमारे सामान बिकते हैं। जो प्रोडक्ट्स बेच के जो रेवेन्यू आता है उससे हम एक तो ये गाँव की लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनकी रोजगार जनरेट हो रही है, साथ ही साथ जो एनिमल क्लिनिक में दवाई होती है, रेस्क्यू मिशन होता है, वो सब में भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। एनिमल और पीपल फार्म प्रोडक्ट्स, हाँ जी, मतलब माना जाए कि एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही है और इंटरडिपेंडेंस है, और एवरी मंथ जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो एनिमल की दवा दारू में जाता है। रॉबिन और मैं, हम यूएस में ही थे, हमें शादी किए 18 साल हो गए हैं, और जब हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया वापस आना चाहते हैं, और हम तब हमारे दिमाग में पीपल फार्म नहीं था, तब हमारे दिमाग में सिंपल सी बात थी कि हम जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं और एक ऐसी स्पेस क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे छोटे से लेके बड़े जानवर तक आप रख सकें। तो खैर हम यहाँ पे आए तो मेरी फैमिली को ऑलरेडी पता था कि हम इस रस्ते पे निकल पड़े हैं, पर उनकी तरफ से हमें हमेशा सपोर्ट ही मिली। कोई मशीन्स हैं आपके साथ पास या फिर इसी तरह से बनाते हैं? ये आप जो देख रहे हैं यही मशीन्स हैं घर में होती है। हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप बड़ी मशीन्स ले लीजिए क्योंकि हमारी प्रोडक्शन काफी बढ़ गई है, तो उन्होंने बोला कि आप मशीन बनवाइए स्पेशल जिसमें आप मूंगफली डालें और पीनट बटर निकलाएं, तो वो हैंडमेड नहीं रहेगा ना। मेरे दिमाग में तो ये है कि मैं और लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट दूँ, अगर हम बड़ी मशीन्स ले आए तो ये लड़कियों की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। अगर आपने जो हमारे दर्शक हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या उनको टिप्स देंगे कि वो कम पैसों में ये चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए? हाँ जी, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी, आप जैसे इंडिया में वीगन कॉन्सेप्ट अभी नया है, तो जो लड़कियां हैं या जो लोग परिवार में हैं और घर से बाहर नहीं जा सकते, कोविड करके बहुत लोगों की जॉब्स भी चली गई हैं, तो मैं बोलूंगी कि जो ये वीगन प्रोडक्ट्स हैं लोग अपने घर में बना सकते हैं और इसको मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। अगर मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते तो फेसबुक में एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया जाए जहाँ पे औरतें टोफू बना रही हैं, टोफू बनाना बहुत सिंपल है, सोया मिल्क, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो सोया मिल्क बेचते हैं मार्केट में, पर वो इतने प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं होते, हम सबको पता है, पर अगर हम वही काम घर पे करें और वही काम करने के बाद लोगों तक पहुंचाएं एक ऐसे प्रोडक्ट जो क्लीन है, हेल्दी है, तो वो बेटर रहेगा, और उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, सिर्फ आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, सोयाबीन्स खरीदने हैं, और आप उससे सोए टोफू भी बना सकते हैं और साथ ही साथ मिल्क भी बना सकते हैं। अच्छा, वीगन मैं बता दूं आपने दर्शकों की, वीगन एक होता है एगिटेरियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। वीगन में वो लोग आते हैं जो दूध दही, सही बोल रही हूँ? हाँ जी, दूध दही इन सब का सेवन भी नहीं करते, तो शिवानी उन सब के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आपको तो इसमें सल्यूट करने का मन कर रहा है क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं एनिमल्स के लिए, तो जितना भी प्रॉफिट होता है उनके लिए ही जाता है, वो सच में यही कहूँगी कि बहुत सराहनीय चीज है। लेकिन अगर आप घर में बैठकर अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा टिप्स जो है वो शिवानी ने दे दिया है। शिवानी, एंड में मुझे आप टिप्स दे दीजिए, बिजनेस टिप्स। बिजनेस टिप्स में यही बोलूंगी कि देखिए, पहली बात तो आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें आपका पैशन हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, जैसे मैं लड़कियों को यहाँ पे कढ़ाई भी सिखाती हूँ तो हम लोग कढ़ाई का काम भी करते हैं, या आपको अगर खाना बनाने का शौक है तो आप खाना बनाने के बारे में सोच सकते हैं, आप YouTube पे अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, आप Instagram पे लोगों को वीगन रेसिपीज बता सकते हैं,
अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, बट आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना पैशन सोचिए कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या है। अभी तक हम खाने की चीजें बनाते हैं, अब मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू किए हैं। तो सर्दियों में हम लोग जैसे लिप बाम यूज करते हैं, उसमें हमने फूलों का यूज किया है, जैसे गुड़हल के फूल यहाँ पे बहुत मिलते हैं, तो गुड़हल के फूल या चकुंदर जिसका रंग लाल होता है उससे मैंने बनाया है। हमारे यहाँ पे कैलेंडुला फ्लावर्स बहुत लगते हैं जिससे मैं बॉडी लोशन बनाने वाली हूँ। तो ये सब आप घर पे बना सकते हैं, क्योंकि मैं भी घर पे बनाती हूँ और मेरे यहाँ पे ना, क्योंकि मैं एक रूरल सेटअप में रह रही हूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं बाजार में गई और मुझे सारी इम्पोर्टेड चीजें मिली। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, कम से कम इंग्रेडिएंट्स में जो बन सकता है वही बनाया जाए और वही हम बनाते हैं। तो आप अगर किसी भी तरह से पीपल फार्म प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज इनका लाइक कर सकते हैं पीपल फार्म प्रोडक्ट के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स दे दी गई हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट की रेसिपी पूछना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक कीजिए और आप शिवानी से रूबरू हो सकते हैं वहां पर और देख सकते हैं कि शिवानी किस तरह से काम कर रही हैं, क्योंकि हमारा एपिसोड थोड़ा सा छोटा है तो इतना टाइम नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो तमाम लिंक्स पे सर्च कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, और शिवानी सच में बहुत अच्छा लगा, मैंने आज से पहले ऐसी स्टोरी कभी कवर नहीं की और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और आपसे मैंने बातचीत की। तो चलिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ देखते रहिए। ओके, ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।